नमस्कार, सभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जाकर मत जरूर दें, क्योंकि यह 5 साल के बाद ये मौका आता है जिसमें आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और सरकार के तरफ से, इलेक्शन कमीशन के तरफ से बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई है, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। इस बार इतना व्यवस्था, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, यहाँ के शिक्षकगण, जैसे हम लोग गोविंदपुर पंचायत में हैं तो यहाँ के शिक्षकगण बहुत ही मेहनत किए हैं। मैं देखता था सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर के रात रात तक ये लोग काम किए हैं। यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के BLO, यहाँ के आंगनवाड़ी, यहाँ के आशा कार्यकर्ता, इतना आउटस्टैंडिंग इन लोगों ने वर्क किया है, देख करके हम लोग दंग रह गए हैं। सुबह सुबह ये लोग आशा के कार्यकर्ता घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिनको आंगनवाड़ी सेविका है वो लोग भी आउटस्टैंडिंग वर्किंग कर रहे हैं, शिक्षकगण भी हैं जिनको जहाँ डिपुट किया गया है वो लोग आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं, और यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी गोविंदपुर पंचायत में आए हुए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं। और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे अभी हो रहा है ना सामुदायिक भवन पे हो रहा है हम लोग के गोविंदपुर पंचायत में, इतना बेहतर व्यवस्था किए हुए हैं, लोगों को किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो इसका व्यवस्था वो लोग किए हुए हैं। जाइएगा, और विशेष करके विकलांग, जैसे मैं विकलांग हूँ तो बिल्कुल एक भी मिनट समय नहीं लगा, जाइए और बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे वो लोग व्यवस्था किए हुए हैं कि तुरंत किसी भी तरह का किसी को तकलीफ नहीं हो। वृद्धाजन हैं उनके लिए तो आप लोग भी जाइए, और जो लोग ठीक हैं उनको अगर 2-4, 5 मिनट, 10 मिनट अगर रुकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, आराम से वो लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वर्क हो रहा है। 5 साल पे ये मतदान का मौका आता है, इसलिए आप लोग अवश्य ही इसमें भाग लीजिए, और हमारे जो हाजीपुर का एरिया है, हमारे जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो, कोशिश किया जाए कि 70-72% तक यहाँ वोटिंग हो, क्योंकि 60-61% से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जिनका वोटर कार्ड में नाम है, कोशिश करें कि 100% पहुँचने की कोशिश करें और मत प्रतिशत को ज़रूर बढ़ाएँ, क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको अपना विचार रखने का मौका मिलता है, चाहे आपको शिक्षा के संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे बेरोजगारी से संबंधित है, विकास से संबंधित है, किसी भी तरह के समस्या का समाधान है आप वोट के ही माध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद 5 साल में आपको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है जिससे आपको लड़ाई लड़ सके हैं, और यही है मौका जिसमें आप अपना समर्थन या विरोध दर्शा सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र को विकास के लिए एक नया जो है विकल्प दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अवश्य ही मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं और जो भी छूट रहा है उनको सहयोग करें ताकि वो भी जा करके मतदान करें और कम से कम अपना यहाँ आउटस्टैंडिंग मतों का प्रतिशत को, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।